वाराणसी में अलर्ट जारी है, सड़कों पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज संवाददाता ने वाराणसी कमिश्नर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। 15 अगस्त को प्रदेश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। हमारे साथ बनारस के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी हैं। सर, बनारस में किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, 15 अगस्त को लेकर के जोर शोर से जो है पूरे जिले में तैयारियां चल रही हैं। पुलिस में भी जगह जगह ध्वजारोहण किया जाएगा, पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम होगा। इसके अलावा हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसेज हैं, थाना है, वहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम होगा और वहाँ पर आम पब्लिक और मिष्ठान भंडार भी होगा वहाँ पर मिठाई। इसके अलावा आम नागरिकों के लिए जगह जगह हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं, चेकिंग हो रही है और आज रात में और कल रात में, मतलब 14th इवनिंग और 13th इवनिंग और नाइट में सघन चेकिंग होगी। रेलवे स्टेशंस के पास, बस स्टेशंस के पास हमारी जो है LIU की टीम और पुलिस की टीम लगातार संदिग्ध लोगों की चेकिंग करेगी। इसके अलावा जो हमारा एंटी सबोटाज टीम है और बम स्क्वाड टीम है, वो भी संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग करेंगे। हमारी QRT टीमें डिप्लॉयड रहेंगी, जो महत्वपूर्ण स्थान होंगे स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पर QRT टीम्स रहेंगी, ताकि यदि कोई गलत इरादों से जनपद में प्रवेश करे तो तत्काल उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके अलावा सभी थानाध्यक्षों को पैदल गश्त करने के लिए और ऐसे लोगों को जो संदिग्ध टाइप के हैं उनकी चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी होटल हैं, सराय हैं, उनकी भी जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ऐसे लोगों के रजिस्टर देख करके बाहरी लोगों को भी चेक किया जाएगा कि जो संदिग्ध लोग जनपद में पिछले दिनों प्रवेश करे हैं उनकी लगातार चेकिंग हो रही है। इसके अलावा जो मंदिर के आसपास का एरिया है वहाँ पर भी हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। सर, देखा जाए तो 15 अगस्त से पहले हर वर्ष आतंकी पकड़े जाते हैं, इस बार भी दिल्ली में 2 आतंकी पकड़े गए हैं। इनका मंसूबा था कि दिल्ली में एक बड़े धमाका कर सके, लेकिन इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। उसको लेकर सर, बनारस का चूँकि धार्मिक नगरी है और सावन का पावन महीना चला, क्या मंदिरों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है? नहीं, बिल्कुल, 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे त्यौहार होते हैं जिस पर अक्सर जो है आतंकी जो है घटना करने का, अंजाम देने का हमारे देश में प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोग विशेष अलर्टनेस इससे पूर्व बरतते हैं ताकि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। हमारे यहाँ भी मंदिरों के आसपास और जितने भी स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पर लगातार चेकिंग आरंभ हो गई है और ये लगातार 15 अगस्त तक चलती रहेगी। और जो अभी आपने मंदिर की बात की, मंदिर में चूँकि सावन का महीना चल रहा है, ऑलरेडी हमारी फोर्स वहाँ पर अलर्ट पर है, 15 अगस्त के मद्देनज़र एक्स्ट्रा विजिल रखने के निर्देश दिए गए हैं। आखिरी सवाल ये सर कि 15 अगस्त को जब सब सेलिब्रेट हो जाता है उसके बाद जो लोग प्लास्टिक के झंडे यूज़ करते हैं वो ज़मीन पर गिरा मिलता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा सभी जनपद के नागरिकों से ये मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, जो उसकी डिकोरम है, जो उसको मेंटेन करें, इसके महत्व को समझें। और यदि कोई झंडा, पहले तो प्लास्टिक के झंडे पर बैन है, प्लास्टिक के झंडे यूज नहीं करने चाहिए, कपड़े के बने पर्दे झंडे ही, खादी के या फिर अन्य कपड़े के बने हुए झंडों का प्रयोग करना चाहिए। और यदि झंडा फट जाता है या खराब हो जाता है किसी कारण से तो उसको ससम्मान जो है विसर्जित कर देना चाहिए, उसको ज़मीन पर नहीं डालना चाहिए। मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि इस डिकोरम का पालन करें। शुक्रिया सर। बड़ी दिल्ली दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज़ वाराणसी। 15 अगस्त की सुरक्षा को लेकर अब आपको रिपोर्ट नोएडा से दिखाते हैं, जहां से हमारे संवाददाता महेंद्र माही ने बात की है ADCP मनीष मिश्रा से।
आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर नोएडा पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ मौजूद है। तमाम जो संदिग्ध गाड़ियाँ हैं उनको पूछताछ कर रही है और तमाम उनके जो सामान है वो चेकिंग कर रही है ताकि कोई ऐसी संदिग्ध दिल्ली की तरफ ना जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक गाड़ियों को रोका जा रहा है और पूरी व्यवस्था का चाक चौबंद है। सर बात करने के लिए डी सी मनीष कुमार मिश्रा जी, सर आगामी 15 अगस्त को लेकर किस तरीके से आप लोगों की तैयारी कर रहे हैं? कि आगामी स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत जो नोएडा जोन में सुरक्षा व्यवस्था है वो पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशन प्रभावशाली तरीके से और कड़ाई से की जा रही है। इसमें हमारे जो दिल्ली से सटने वाला एरिया है, दिल्ली जाने वाला रास्ता है, साथ ही साथ हमारे नोएडा में प्रवेश करने वाला रास्ता है और जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें लगा रखी हैं। आप देख रहे हैं कि चार पहिया गाड़ी, दो पहिया गाड़ी, जो भी संदिग्ध व्यक्ति है या संदिग्ध गाड़ियाँ हैं अभी हम लोग सर जो सेंसिटिव एरिया है जो ड्रोन है उसकी कैसे निगरानी रखी जाएगी और जो ड्रोन कैमरा उसकी कैसे रखी जाएगी? क्योंकि हम लोगों ने जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर हमने रूफटॉप लाइट लगाई, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा एरिया है हम लोगों ने सुपर जो ड्रोन स्ट्रक्चर लिखा भी है जैसे कि हमारी मुर्शिदाबादी का एरिया है या ऐसा एरिया संवेदनशील है तो उस सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब लोगों ने ड्यूटियाँ लगाई हैं और आगामी स्वतंत्रता दिवस का हमारा राष्ट्रीय पर्व है क्योंकि सर ऐसा जब भी राष्ट्र पर्व आता है सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान देना होता है और कुछ ना कुछ अगर सोशल मीडिया पर कुछ शेयर होते हैं जहाँ कहीं ना कहीं विशेष जाति को टारगेट कर रहा है तो सोशल मीडिया पर कैसे नोएडा पुलिस निगरानी रखेगी? सोशल मीडिया सेल हमारी लगातार निगरानी कर रही है, हमारी जो टीम है वो लगातार लगी हुई है और कोई भी अगर असामाजिक तत्व है ऐसी कोई भी अगर वो वहाँ पर प्रचार करता है उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई शुरू करेंगे। आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आम जनता को संदेश है स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, इसमें सब लोग भागीदार बनेंगे। ये पर्व उल्लास के साथ हम लोग मनाएंगे और हम लोग इसे सुनिश्चित बनाएंगे। ये थे हमारे साथ पी डी सी मनीष कुमार मिश्रा का ये जिला बना हुआ है और तमाम जो फोर्स है तैनात और गाड़ियों को रोकने तमाम जो बैग है उसकी तलाश चली जा रही है। ऐसे में दिल्ली के तीनों बॉर्डर पे जो पुलिस फोर्स है पूरी तरीके से मुस्तैद है। मीडिया न्यूज से महेंद्र माही नोएडा। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं गोरखपुर से जहां से हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने बात की है एसपी गोरखपुर गौरव से। 15 अगस्त को लेकर बांग्लादेश से हुए मामले को लेकर के भी अलर्ट है क्योंकि गोरखपुर अयोध्या वाराणसी मथुरा सहित तमाम जनपदों को अलर्ट पे रखा गया है और गोरखपुर इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ गोरखनाथ मंदिर है, मुख्यमंत्री का आवास है और साथ ही नेपाल बॉर्डर की खुली सीमा है। ऐसे में गोरखपुर के जिले के कप्तान डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर 15 अगस्त को लेकर के क्या कुछ रूट मैप तैयार किया गया है, क्या कागज तैयार किया गया है, शासन की तरफ से कुछ निर्देश दिया गया होगा? देखिए हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम विगत दिनों से सभी जनपदों में और प्रदेश में चल रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम सुरक्षित और सकुशल संपन्न हो इसके लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। विशेष रूप से जो तिरंगा यात्राएं हैं, जो विभाजन की विभीषिका के संबंध में जो कार्यक्रम होने हैं और फिर 15 अगस्त को जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसमें हमारे सरकारी कार्यक्रम होने, उसके अलावा बाकी भी जो सार्वजनिक स्थानों पर पब्लिक के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं उन सभी में ड्यूटीज़ लगा करके अधिकारियों को जिम्मेदारियां दे करके लगातार उसमें सुपरविजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संदिग्धों वाहनों की और व्यक्तियों की दिन और रात में अलग अलग ड्यूटी लगा करके चेकिंग की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये सारे जो कार्यक्रम हैं वो सकुशल सम्पन्न हों, सुरक्षित रूप से सम्पन्न हों, किसी प्रकार की कोई समस्या में ना हो। सर 15 अगस्त को लेकर के इसलिए भी है चूंकि तमाम अलग अलग कार्यक्रम होते हैं संगठन में और उस समय फोर्स भी बहुत कम रहती है हर जगह, तो किस तरीके से इसको लेकर के रूप में तैयार किया गया खासकर नेपाल बॉर्डर या रेलवे स्टेशन या इन जगहों पर? देखिए जो मुख्य मुख्य सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर फोर्स लगाया गया है, हमारे जिले में पर्याप्त फोर्स उपलब्ध है और इसके अतिरिक्त हमारे पास जैसे हमारा जिला न्यायालय है उसके लिए अलग से SSF है, जो हमारा एयरपोर्ट है उसके लिए SSF है, PAC है, बाकी अन्य प्रकार के सभी फोर्स हमारे पास मौजूद है और सुरक्षित वातावरण में सभी कार्यक्रम संपन्न होने के लिए हम सक्षम हैं, ये सभी कार्यक्रम सुरक्षित ढंग से संपन्न कराएंगे।
यानी 15 अगस्त को लेकर जो शासन की तरफ से निर्देश दिया गया है उसको लेकर के बाकायदे पैनी नजर बनाई जा रही है, खासकर गोरखपुर पुलिस की तरफ से, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, भारत नेपाल की जो खुली सीमा है, बॉर्डर का वो रास्ता, सभी जगहों पर पूरी तरह से निगरानी की जा रही है ताकि फिर पूरी तरीके से 15 अगस्त का ये जो पर्व है सकुशल तरीके से सुरक्षित मनाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अजीज के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़।